तो बेटा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक हुआ था हमारा क्वांटम नंबर, तो कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो उसमें चार पांच क्वेश्चन किए थे, आज थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हेडिंग नोट करो या क्वेश्चन ही समझ लो, क्वेश्चन नोट करो। फाइंड आउट द क्वांटम नंबर, क्वेश्चन आपका फाइंड आउट द क्वांटम नंबर, फाइंड आउट द क्वांटम नंबर। तो फाइंड आउट द क्वांटम नंबर फर्स्ट 3s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के निकालना ही है। कुछ मैं बोला था, कुछ नहीं बोला तो 4p2, थर्ड 5d5, 4 6p3, 2s2, 6 में 7s1, 4p6, 3d9, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्वांटम नंबर। तो स्टार्टिंग का जो वैल्यू होता है वो 3, वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा? एन एन को। वेरी गुड। एस किसको रिप्रेजेंट करेगा? एल को। तो इसमें से किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो फोर जो है वो एन को और पी एल को, एन एल एन एल। यहाँ पे ये टू है, कौन से क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? एन को। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल को। सेम एन किसको रिप्रेजेंट करता है? एन को। एल इसको, एन और पी एल, एन और डी किसको रिप्रेजेंट करता है? एल को। ये था बच्चा। तो मुझे भी ये बताओ, एन का वैल्यू फर्स्ट में कितना होगा? थ्री वेरी गुड। अगर एल पूछा है तो एस क्या है? सब सेल। तो सब सेल एस के लिए वैल्यू कितना होता है? जीरो 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 होता है। कितना होगा वैल्यू? जीरो। यहाँ पे एन का वैल्यू 4, एल का वैल्यू कितना होगा बच्चा? तीन सब सेल है वन तो 1। बहुत बढ़िया। एन का वैल्यू 5, एल का वैल्यू टू टू तो बहुत बहुत बढ़िया बच्चा, लोग सीख गए हो यहाँ तक। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1। यहाँ पे 2 ऐसे तो 0, 7 ऐसे तो 0, 4 पी है तो 1, 3 डी का वैल्यू 2। एल पूछा ना, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होता ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? सर तकलीफ एम और एस में एक होता है कुछ लोगों को। क्या बेटा? मिनट सर, क्या? 1 मिनट, ठीक है ना? ये याद रखना, एन और एल में किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, सिंपल है। तकलीफ होता है कुछ, अगर 10 बच्चे बोलो तो उसमें से 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनको एन के वैल्यू में तकलीफ होता है, एस के वैल्यू में। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको सबसेल नहीं मालूम, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं। तो भैया यहाँ पे 0 मतलब कौन सा सबसेल है? एस। एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चा? 1 लिखा है यहाँ पे, 1। वन और उस ऑर्बिटल का वैल्यू किससे पता चलता है? ये नहीं मालूम है हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो एल का वैल्यू, एम का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है? -0 से +0, मतलब -L2 +L, ये याद नहीं रखते हैं, इसलिए उनको समझ ही नहीं आता आगे एम का वैल्यू हमने कहाँ से लिखा है। तो यहाँ पे -L मतलब -0 से +0, तो एम का वैल्यू तो एक ही है भैया यहाँ पे, क्या? 0। और एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें क्या करते हैं, या तो प्लस या फिर माइनस। आप इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। पी बोला है सबसेल, तो पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं ये नहीं पता होता लोगों को, तो वो कहाँ से सॉल्व करेंगे? कितने ऑर्बिटल होते हैं पी सबसेल में? 3। अब इस 3 में एन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? एन वैल्यू क्या होगा? -L मतलब -1
जीरो प्लस वन ये होता है। तो इसमें हाँ बेटा बोलो क्या हो गया बच्चा बोलो बेटा, ऐसा डिस्टर्ब नहीं किया करो बीच में, ठीक है ना, माइक म्यूट कर लिया करो, बोलना होता तो पूरा बोला करो। तो भैया p बोला है, तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं ये याद रखना है, हमने बताया था। और कैसे याद रखना है, 12 प्लस 1 फॉर्मूला से नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबसेट। तो m का वैल्यू क्या होगा, माइनस l जीरो प्लस l, मतलब माइनस 1 जीरो प्लस 1, तो दो ऑर्बिटल है तो दो इलेक्ट्रॉन है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलता तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से डब्बे में है और उस डब्बे का कोड क्या है, जीरो। एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस माइनस आप दोनों ले सकते हो, वन इलेक्ट्रॉन है तो क्या करोगे, प्लस माइनस आप दोनों यूज कर सकते हो। वैसे थर्ड वाले में डी के अंदर कितने बॉक्स होते हैं भाई, डी के अंदर कितने बॉक्स होते हैं बच्चा, फाइव। फाइव तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव, ठीक है ना। वैल्यू कहाँ से कहाँ, कई लोगों को याद ही नहीं हो रहा सर, तो मुझे तो ये याद ही नहीं हो रहा, बहुत बड़ा। रुको 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 चुप रहो अभी। कई लोग बोलते हैं सर माइनस एल टू प्लस एल मुझे याद ही नहीं हो रहा है, बड़ा सिंपल सा, फिर भी कई लोगों को याद ही नहीं हो रहा कि सर माइनस टू होगा फिर माइनस वन जीरो प्लस वन, ये मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो भैया बचपन में नंबर स्केल पढ़े उसका यूज कर लो। बीच वाला डब्बा ये है, इस डब्बे में जीरो, जीरो के इधर नंबर स्केल में जाओगे तो प्लस वन, इधर प्लस टू, इधर जाओगे तो माइनस वन माइनस टू, कम से कम ऐसे याद रख सकते हो। फिर एम का वैल्यू माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू भी हो सकता है, बट कौन सा सुटेबल वैल्यू है ये हमको फाइंड आउट करना है। इन पांचों में से कोई एक ही लेना है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव इस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, कुछ नहीं बोलता तो जो ऊपर लिखा वही नंबर, तो फाइव लिखा तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्लस टू। एस का वैल्यू कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस माइनस हाफ। ऐसे ही फोर फाइव सिक्स सेवन एट में सॉल्व करो, ठीक है ना, जल्दी से। हाँ तो फिफ्थ वाले में देखो बच्चा, अब एस बोला तो जाहिर सी बात है एल जीरो तो एम भी जीरो, एस में दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट को क्लॉकवाइज ही देते प्रेफरेंस, ठीक है ना। बट क्वेश्चन में कई बार इस तरह का प्लस आप भी लिखता है तो करेक्ट होगा, यानी कि इनकरेक्ट होगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से लेके चलना है। लेकिन प्रेफरेंस देना कौन सा, माइनस हाफ वाले को, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज। एम का वैल्यू जीरो और एस का वैल्यू क्या होगा बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में तो प्लस हाफ माइनस हाफ, क्लॉकवाइज भी रह सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। एम का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, बीच वाले के लिए जीरो, इधर माइनस वन प्लस वन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स इस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहे हैं। तो एम का वैल्यू प्लस वन और एस का वैल्यू कितना होगा बच्चा, माइनस हाफ। यहाँ पे डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पांच, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो जीरो माइनस वन माइनस टू प्लस वन प्लस टू, बीच वाले के लिए जीरो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, क्लियर है, वन टू थ्री फोर फाइव, उसके बाद पेयरिंग करवा रहा हूँ, कौन सा लॉ ऐसा कहता है भाई, इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल फिल होंगे उसके बाद पेयरिंग होंगे, कौन सा लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहता है। देखो बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर तो बाद में तो दिक्कत हो गई, कौन सा लॉ बोलता है ऐसा इलेक्ट्रॉन फिल करना है, हुन्स लॉ, हुन्स लॉ कहता है, ठीक है ना। तो ये नाइन्थ नंबर वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो उसके लिए हमको निकालना है क्वांटम नंबर, तो m का वैल्यू प्लस वन और s का वैल्यू सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसलिए माइनस हाफ ज्यादा सुटेबल है। यहाँ पे फोर्थ वाले में m निकालना है भाई, थ्री इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो प्लस वन और s का वैल्यू माइनस प्लस हाफ,
तो ये था इसका आंसर बेटा। आप इम्पोर्टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप सबको ही। किसी को डाउट है तो उसका अलग से टाइम देंगे हम। इसको नोट करके नोट करते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो सबको क्लियर हो ही गया है। सबसे पहले एटम, एटम में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों एक सर्कुलर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उससे आगे बढ़ते जाओगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा सीधा। लास्ट ऑर्बिट हो गया इन्फिनिटी। तो एन इक्वल टू फोर्थ ऑर्बिट, एन इक्वल टू थ्री, एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू वन, ये हुआ ऑर्बिट। फ्रेम में आ रहा है ना पूरा। तो ऑर्बिट हुआ बच्चा ये। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एस होता है, सेकंड में एस पी दोनों होता है, थर्ड में एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा, फोर्थ में एस पी डी एफ ये होंगे, ठीक है ना। तो अब सब एस एक जैसे थोड़ी है, वन का एस है तो ये वन एस, टू का एस है तो टू एस टू पी, थ्री का तो थ्री एस थ्री पी थ्री डी, ये फोर का तो फोर 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 एंड फोर। अब ये एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, सिर्फ एक, तो मैं एक लाइन बना रहा हूँ। पी के अंदर कितने होते हैं, तीन, तो वन टू थ्री, ठीक है ना। तीन डॉट या तीन लाइन जो है डैश करके छोटा छोटा, वो है ऑर्बिटल। इसके अंदर एक ऑर्बिटल, इसके अंदर वन टू थ्री। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, वन वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव। एफ के अंदर सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, बोला था ऑड नंबर में बढ़ता है। तो इससे देखो दो कंक्लूजन, मतलब एक दो तीन चार कंक्लूजन मिल जाएंगे। पहला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल, फर्स्ट कंक्लूजन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल। तो एल का वैल्यू वन था इन एनी ऑर्बिट, इन एनी ऑर्बिट, ये पूरा होगा, या फिर बोलते हैं सेल। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल इन एनी ऑर्बिट और सेल और एनर्जी लेवल। तो यहां पे देखो बच्चा, एन का वैल्यू वन तो एस था, एन का वैल्यू वन है, समझा रहा हूं ठीक है ना। फिर यहां पे मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा एक लाइन में कंप्लीट, बट वो फॉर्मूला कैसे आएगा ध्यान देना बिल्कुल। एन का वैल्यू वन तो सबसेल क्या होता है, एस। एन का वैल्यू टू तो सबसेल एस और पी। एन का वैल्यू थ्री सबसेल एस पी डी। एन का वैल्यू फोर तो सबसेल एस पी डी एफ। तो यहां पे देखो बच्चा, एल का वैल्यू कितना है मैक्सिमम, कोई बोलेगा नहीं, हम बोलेंगे कितना है, जीरो जीरो वन, जीरो वन टू, जीरो वन टू थ्री। तो देखो यहां पे एन का वैल्यू वन तो एल का मैक्सिमम वैल्यू जीरो, एन का वैल्यू टू तो एल का मैक्सिमम वैल्यू वन, एन का वैल्यू थ्री तो एल का मैक्सिमम वैल्यू टू, एन का वैल्यू फोर तो एल का मैक्सिमम वैल्यू थ्री। तो कह सकते हैं एनर्जी लेवल का अगर मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऑर्बिट सेल और एनर्जी लेवल, तो ये क्या होगा, एन माइनस वन, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल हमेशा क्या होता है, एन से एक कम, दो से एक कम वन, तीन से एक कम कितना हो गया थ्री, से एक कम हुआ तो टू, फोर से एक कम हुआ तो थ्री, अगर मैं फाइव में जाता तो एक कम करते तो क्या होता फोर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल इन एनी ऑर्बिट ऑफ सबसेल और एनर्जी लेवल, जो ध्यान नहीं देगा बाद में बोलेगा सर ये क्या है फिर करके। तो ये देखो यहाँ पे n का वैल्यू वन तो s, n का वैल्यू टू तो sp, थ्री है तो spd, फोर है तो spd f। क्लियर बच्चा लोग। तो ये था भैया पहला कंक्लूजन। सेकंड, नंबर
of इलेक्ट्रॉन इन पूछ सकता है एनी ऑर्बिट और सेल, ठीक है ना, ऑर्बिट की सेल बोलते हैं। बी इन एनी ऑर्बिटल, पहले सब सेल करते हैं, इन एनी एनी सब सेल एनी सब सेल सी एनी ऑर्बिटल। तो मैंने जब पॉली लॉ या हुंस लॉ बताया था कहीं से बताया होगा, तो हर एक ऑर्बिटल में ये तो रखना है सी वाला पॉइंट। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टू। ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसका हेडिंग कर लेते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन। तो ऑर्बिटल में तो टू होता है, देखो यहाँ पे बेटा माइक म्यूट करके रखो, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू। ऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने ऑर्बिटल है, वन टू थ्री फोर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए, फोर। वन टू थ्री फोर, एक ऑर्बिटल में दो, तो टोटल कितने हुए भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक ऑर्बिटल में दो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, एट। अच्छा पहले ये नहीं क्लियर है, कितने होंगे भाई, एट होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, टू, यहाँ पे काउंट कर लो बच्चा, यहाँ पे काउंट कर लो कितने आएंगे, 18, क्योंकि इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो नाइन का डबल 18। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको फॉर्मूले में रख दू, टू एन स्क्वायर, नंबर ऑफ एन स्क्वायर मतलब कितना जाएगा, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, ठीक है ना, तो एन स्क्वायर रख दू तो ये मिलेगा मुझे, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन कितना भी है, एट, तो इसको मैं टू से इंटू कर दू, तो टू से कितना जाएगा, टू, इसको टू से इंटू करोगे तो कितना आएगा, एट, और इसको टू से इंटू करोगे तो कितना जाएगा, 18। मैं छोड़ा फॉर्मूला, ठीक है ना, yes, तो यहाँ पे एन का स्क्वायर किया वन, टू का स्क्वायर किया तो फोर, थ्री का स्क्वायर किया तो नाइन, और उस स्क्वायर का डबल ले लिया तो किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनी ऑर्बिट और सेल में एन स्क्वायर इंटू टू, ये होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बना कैसे ये भी याद रखो और रट लो उसके बाद समझने के बाद। तो टू का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा फोर, थ्री का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा नाइन, फोर का स्क्वायर करूंगा तो 16, और उसका डबल ले लिया तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट और सेल। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना बच्चा। अब सबसे में पहले मुझे बताओ ऑर्बिटल कितने होते हैं, किसी क्वांटम में बताया मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, अगर तुमको ऑर्बिटल पता है उसको मैं डबल कर दूं तो क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, चलो कोई बता दो, आप बोल सकते हो कितने ऑर्बिटल होते हैं किसी सबसेल में, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, सेकेंड थर्ड क्वांटम नंबर में मैंने ये हिंट दिया है, एल प्लस वन, नहीं गलत, टू एल प्लस वन इंटू टू, क्वेश्चन थर्ड, कई लोगों को ऑर्बिटल याद, ऑर्बिटल का डबल इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑर्बिटल याद कर लेते हैं भाई, पहले उसी वक्त करवा देना चाहिए था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल नहीं, नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑर्बिटल, यहाँ पे भी नंबर ऑफ
मैक्सिमम ऑर्बिटल, ठीक है ना, नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑर्बिटल। तो पहला इन ऑर्बिट बी इन सबसे, हमको पहले इसको करवा देते तो इलेक्ट्रॉन वाला चीज जल्दी हो जाता। तो सबसेल के अंदर भैया बताया कितना ऑर्बिट होंगे, फॉर्मूला क्या था, एनी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर को डबल कर दो उसका प्लस वन, यही आता था ना भाई। एस का वैल्यू जीरो, टी का वैल्यू वन, तो जीरो का डबल जीरो प्लस वन इक्वल टू एक ऑर्बिटल, टी में कितने ऑर्बिटल थे थ्री, तो वन का डबल कितना होता है टू, टू में से एक ज्यादा, तो क्या आएगा भाई थ्री आएगा ना, टू इंटू वन प्लस वन ट्वेल्व प्लस वन, यही रखते हैं फॉर्मूला इस तरह से। अब ऑर्बिट में देखो यहाँ पे एन इक्वल टू वन में कितने ऑर्बिट है, सॉरी ऑर्बिटल कितने हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में वन, सेकेंड ऑर्बिट में ऑर्बिटल वन टू थ्री फोर, थर्ड में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो देखो एन के साथ कुछ रिलेशन दिख रहा है, इस एन के साथ रिलेशन दिख रहा है कहीं, एन का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर टू, थ्री का स्क्वायर नाइन, दिख रहा है ना। तो वही मैं बताया एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल एन स्क्वायर तो इलेक्ट्रॉन क्या है इसका डबल, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट और सेल टू एन स्क्वायर इन एनी सब सेल टू एल प्लस का डबल, और ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम दो होते हैं, तो ये वाले याद रखना भाई, ठीक है, ये वाला कैसा याद रखना, ये भी क्लियर हो गया, सेकेंड वाला भी, थर्ड वाला अगर अच्छे से क्लियर है तो सेकेंड वाला भी क्लियर हो जाएगा, इसको पहले कर देना चाहिए था हमको। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, नेक्स्ट आगे पेज में बढ़ते हैं भाई। जिनको भी ब्लर हो रहा है बेटा हम रिकॉर्डिंग भेजेंगे, नोट कर रहे थे क्या इसको, तो ये था भाई फोर्थ, ये हो गया, देखो यहाँ पे इम्पॉसिबल, ये थोड़ा सा याद रखना, इम समझ लोगे, समझने वाला भी है थोड़ा, इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर, कभी ये क्वेश्चन पूछा तो इसमें क्या देखना भाई, इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर पर आइडेंटिफाई करने का तरीका, या फिर मेथड लिख सकते हैं, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है ऐसे कर लेते हैं, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पॉसिबल या फिर पॉसिबल, इम्पॉसिबल या फिर पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अगर तुमको इम्पॉसिबल पता चल गया कौन सा क्वांटम नंबर है तो पॉसिबल तो बता ही सकते हो, या पॉसिबल पता है तो इम्पॉसिबल, तो बताओ मुझे जब इम्पॉसिबल अगर कब होगा एन और एल इक्वल हुए, बताओ मुझे यहाँ पे देख के कहीं पे एन और एल एक जैसा हो सकते हैं, यहाँ पे देख के बताओ एन और एल सेम हो सकते हैं क्या, यहाँ पे एल का वैल्यू कितना होगा भाई जीरो, यहाँ पे जीरो और वन, ठीक है ना, या फिर यहाँ देख लो, कई लोग को वहां समझ नहीं आ रहा है, अगर एन का वैल्यू वन है तो सबसे लेस, एन का वैल्यू टू है तो सबसे एस पी, थ्री है तो एस पी डी, एल का वैल्यू कितना होगा जीरो जीरो वन जीरो वन टू, तो एन और एल कभी भी सेम हो सकते हैं क्या, किसी एक ऑर्बिट में नहीं हो सकते हैं, तो एन और एल सेम हुए तो पॉसिबल नहीं होगा, लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। जो एल का वैल्यू है वो
एम से मॉड वैल्यू ऑफ एम से कभी छोटा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है एम का वैल्यू अगर -3 है तो एल का वैल्यू 2 हो सकता है क्या? एल का वैल्यू अगर 2 है तो एम का वैल्यू -3 हो सकता है? बोलो। नो नो सर। क्यों? क्योंकि एम का वैल्यू क्या होता है? -L 2+L, यही होता है ना। ये वाला चीज तो -2 फिर -1 0 +1 +2 ये होगा। तो मुझे बताओ इसका मॉड वैल्यू, इसका एम मॉड निकाल रहे हो तो क्या होगा? -3 मॉड लोगे तो 3, तो एल से ज्यादा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। मॉड इसलिए लिया हूँ, कई लोग को माइनस वाला बोल देंगे तो -3 तो कम होता है -2, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड का साइन लगाया। तो एल का वैल्यू -3 तो एल का वैल्यू 2, ये पॉसिबिलिटी कभी हो ही नहीं सकता। तो बस आपको क्वेश्चन में यही देखना है, ये दो चीज अगर हुआ तो इम्पॉसिबल होगा। क्या होगा? ये इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर। जब भी क्वेश्चन में पूछता है इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर या फिर पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल कौन से होंगे? जहां पे एन और एल इक्वल होगा या एल का वैल्यू कम हुआ, मतलब L क्या है? कम है मॉड वैल्यू ऑफ M से। तो इतना सा आपको पता चल जाएगा कौन सा सेट पॉसिबल है कौन सा इम्पॉसिबल। तो आपको बस ये देखना है और बता भी दिया कैसे। फिफ्थ में देखो नेक्स्ट पॉइंट। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ M, तो एम के टोटल कितने वैल्यू हो सकते हैं या फिर टोटल वैल्यू ऑफ एम, टोटल वैल्यू ऑफ एम। अच्छा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बता दो पहले इसके लिए अलग से। तो क्या होगा भाई, ये हमेशा किसके इक्वल होगा? टोटल 5 टाइप्स मतलब जितने भी वैल्यू है, मतलब ऑर्बिटल क्या निकालना है आपको? ऑर्बिटल 2L+1। अगर s का वैल्यू, s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, देखो यहीं से समझ में आने वाला है जो बनाने वाला। तो यहाँ पे 0, -1, 0+1, 0, -1, -2, +1, +2। तो m के कितने वैल्यू है पॉसिबल यहाँ पे? 1, 3 वैल्यू है, 1, 2, 3। यहाँ पे कितने पॉसिबल वैल्यू है? लास्ट वाले में कितने पॉसिबल वैल्यू है? 5. मतलब ऑर्बिटल क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम, मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? ऑर्बिटल। अच्छा इसको सेंटेंस पूरा कंप्लीट करते, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम इन सबसेल। तो किसी भी सबसेल में कितने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है? 5। मतलब फॉर्मूला क्या होगा? 12+1। तो ये सब बच्चा रटना है लेकिन समझ कर, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हिंट है, ट्रिक्स है। सेकेंड वाला, थर्ड वाला अच्छे से याद रखना भाई, और फर्स्ट वाला ये भी, ये फोर्थ वाले से भी क्वेश्चन आता है, फिफ्थ वाला कभी कभार ही मिलेगा क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ वाले से, फोर्थ वाला ज्यादा है सेट किसका, पॉसिबल सेट या फिर इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। ये वन वाला भी कभी कभार है, सेकेंड थर्ड फोर्थ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब फोर्थ सबसे ज्यादा। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं, तो कर लोगे सबको याद? हो जाएगा ना सबको याद? यस सर। ठीक है फिर नोट डाउन कर लो इसको पूरा। तो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखे हम, इसका आंसर देना है भाई, जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन का आंसर दो, जब पूछेंगे लेकिन तब। हाँ तो क्वेश्चन वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल, इसका वैल्यू कितना लिखे होगे भाई? एन का स्क्वायर और उसका डबल कितना? 32 इलेक्ट्रॉन। एन का स्क्वायर उसका डबल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल, 2L+1, 2L+1, L का वैल्यू कितना होता है? 1, तो और उसका डबल, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 10।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, और यहाँ पे कितना आएगा बताओ, कितना थ्री आएगा सर पी ऑर्बिटल में? सिक्स आएगा पी ऑर्बिटल में। मैंने बोला ये मिस्टेक करोगे, मैंने दिमाग बातों पे ध्यान नहीं दिया ना, मैंने बोला था ऑर्बिटल टर्म्स यूज किया तो एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे एस का हो, पी का हो, या डी का हो, या एफ का हो, बोला था ना ये वाला मैक्सिमम लूंगा। अब भी मिस्टेक करेंगे, मैंने ऑर्बिटल बोला बच्चा, क्या बोला है ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल हो, या एस ऑर्बिटल हो, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में? दो। आया समझ में कहाँ पे मिस्टेक करते हो? इसलिए बोला था ये वाला मिस्टेक करोगे ही तुम लोग। कौन सही किया था मुझे ये बताओ। नहीं किया था सर। कोई नहीं किया था, नहीं तो बोल दिया था सर। इसमें क्या देखना है भाई, इम्पॉसिबल देख लो, तो इम्पॉसिबल के लिए एन और एल सेम ही होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि एन और एल सेम है, या फिर इससे नहीं कंक्लूजन निकलेगा तो ये सेकंड देख लो, एम का वैल्यू एल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे एम का एल का वैल्यू टू है, एम का मॉड वैल्यू थ्री, तो ये भी पॉसिबिलिटी क्या है इनकरेक्ट, तो आंसर कौन सा होगा इसका? सेकंड। समझ में आया इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना, एस कुछ भी हो प्लस माइनस आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीन से आंसर निकलता है। तो पहला क्या देखना है, एन इक्वल टू एल जो हुआ वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इससे भी कंक्लूजन निकला था सेकंड वाले से, एल का वैल्यू मॉड एम का वैल्यू से कम हुआ जहां, तो वो इम्पॉसिबल, और जो इम्पॉसिबल है और ये इम्पॉसिबल नहीं है मतलब पॉसिबल है, क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये वाला याद रखना। अच्छा ऑर्बिटल बोला है तो ये, अगर ऑर्बिटल बोलता है तो पूरा ले लेते, तो शब्दों के साथ खेल सकता है यहाँ पे, तो ध्यान देना। अच्छा एक क्वेश्चन और, बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है, देखते हैं फिफ्थ वाला। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, फाइंड आउट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ये पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, पी ऑर्बिटल। ब्लू वाला यहाँ पे वन एस, सॉरी वन पी, और ये टू पी, ये टू पी थ्री पी, टू पी वन पी, टू पी टू पी, और क्या था, वन पी टू पी टू पी वन पी टू पी थ्री पी। चलो सॉल्व करो, कई लोगों का हाथ पाँव ही नहीं समझ में आया, बस क्वेश्चन पूछा क्या है, बड़ा सिंपल सा। पी ऑर्बिटल डबल शेप होता है, एक तीन का पी ऑर्बिटल, एक टू का पी ऑर्बिटल, हिंट दे रहे हैं। तो पूछा एक्चुअल साइज किसका बड़ा होता है, तीन का होता है या टू का होता है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है।
सर मोर देन वन ऑप्शन भी आ सकता है। तो जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ता है, आगे एन है ना, तो मैंने बोला शेप भी बढ़ता है। एन का वैल्यू अगर ये है तो एस का शेप ये होगा, एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल होता है, पी का शेप ये होगा। अगर एन का वैल्यू टू है तो पी बड़ा हो जाएगा, एन का वैल्यू अगर थ्री है तो पी का लोब और बड़ा हो जाएगा। ये था इसका है। अब बताओ आंसर कौन सा होगा, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, दो आंसर भी आ सकता है। सर ये था हिंट, मतलब सर ये थर्ड है कि फोर्थ, थर्ड दो दो बार सेकंड हो गया ना सर। ये वन, ये टू, ये थ्री, टू, ये दोनों सर, टू, वाले टू है, वो जो नंबर डाले आपने, नंबर डाले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कौन से सही है बता दो, फाइंड द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। सब पी ऑर्बिटल है, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ या चारों अलग है, या कौन से दो या कोई एक या तीन? सर थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड सर। थर्ड कौन सा सही है, थर्ड वाला सही है। क्यों? क्योंकि पहले क्या है, लोग इसको बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना इसको बोलते हैं लोब, ठीक है ना, और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसको बोलते हैं नोड, आगे नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे इसको बोलते हैं लोब। तो पहले में साइज छोटा होता है, मतलब टू पी का साइज छोटा होगा थ्री पी से, वैसे ही कॉम्बिनेशन और कहाँ में दिख रहा है, ये दोनों सेम सेम साइज के हैं, सेम है तो दोनों का साइज सेम होना चाहिए था, तो बेटा ये तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड में देखो, पहले छोटा है टू पी, पहले छोटा लोब है मतलब छोटा ऑर्बिटल है, बाद में बड़ा ऑर्बिटल है, तो भैया तो पहले वन पी आना चाहिए था बाद में टू पी आना चाहिए था, ये तो होगा ही नहीं। फर्स्ट वाला सही है कि गलत है? सही है सर। रॉन्ग है, रॉन्ग है, कौन बताएगा रॉन्ग है ये? सर वन पी आता ही, वन में पी होता, वन पी एग्जिस्ट, वन पी आता ही नहीं है, वन में पी होता है क्या? नो सर। तो फिर इसे बोलते हैं, कैसा लगा मेरा मजाक? तो बेटा याद रखना पड़ता है, ठीक है ना, चीजें मालूम है फिर भी, अरे सर यहाँ तो वन है तो छोटा होगा, टू है तो बड़ा होगा, बेटा लेकिन वन में पी आता कहाँ से है, आता है क्या? नहीं आता। तो ऐसे ही ऐसे छोटा मिस्टेक करते हो तुम लोग एग्जाम में। बता कोई बड़ा क्वेश्चन था, सिंपल सा लॉजिक, पहला टू पी है तो इसका साइज छोटा होगा, थ्री पी है तो साइज बड़ा होगा, इतना से क्वेश्चन सॉल्व करना था। यहाँ पे ऑप्शन में दे देता ए वन और थर्ड बोथ, ऑप्शन दे देता वन फोर, वन से वन टू फोर, ऐसा करके कुछ ऑप्शन बना देता, क्या पता कई लोग वन और थर्ड को दोनों को सही टिक करके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो बाद में सरदर्दी वाला काम करते हैं भाई। समझ में आया इस क्वेश्चन के पीछे ये क्यों इनकरेक्ट है? तो सही आंसर से पहले ही मुझे ये पता होना चाहिए इनकरेक्ट क्यों है। तो ये कॉम्बिनेशन सही है, छोटा ऑर्बिटल बड़ा ऑर्बिटल, लेकिन वन में पी होता ही नहीं है, ये कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है, और ये दोनों अगर सेम है तो ये भी कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है। तो इस तरह से फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चा। नेक्स्ट क्लास में और ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन खेलेंगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे कितने लोग का स्ट्रॉन्ग है। बस आज के लिए इतना ही कर देखते हैं, बाकी मंडे।